भाद्रपद माह की शुरुआत हो गई है। द्वापर युग में इसी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरे देश में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और हर घर में उनका जन्म होता है। पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी के दिन कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 26 अगस्त को सुबह 8:20 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन 27 अगस्त को सुबह 6:24 पर समाप्त होगा। 26 अगस्त को ही रात में 9:10 पर रोहिणी नक्षत्र भी शुरू हो रहा है, जो अगले दिन रात्रि में 8:20 तक रहेगा। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक साथ मिलने के कारण 26 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी जो है 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन अष्टमी का प्रादुर्भाव प्रारंभ प्रातः 8:20 से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन 27 अगस्त को प्रातः 6:34 तक रहेगा। और उसी दिन जो है रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 9:10 से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन रात्रि में 8:23 तक रहेगा। इस वजह से 26 अगस्त को दिन सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी में विशेष योग है। विशेष योग वह यह है कि मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र होने के कारण यह जयंती नामक योग का निर्माण करती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जब जयंती नामक योग हो तो उसमें भगवान चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, पाठ करने से, उनकी अर्चन करने से, उनके विग्रह का कमल के फूलों से, अन्य पुष्पों से अर्चन करने से 3 जन्मों के पाप जो है नष्ट होते हैं। इसलिए यह जन्माष्टमी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। जय विष्णु।